धार मध्य प्रदेश शुक्रवार जुमा को मुस्लिम समाज द्वारा जुमा की नमाज अदा की गई। भारी संख्या में मुस्लिम समाजजन अपने हाथों में काली पट्टी बांध कर पहुंचे। नमाज के बाद समाज द्वारा माननीय राष्ट्रपति महोदया के नाम एक ज्ञापन नायब तहसीलदार महोदय को दिया गया। ज्ञापन में बताया गया कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भौतिक खुदाई का मना किया है, उसके बावजूद दिन प्रतिदिन पुरातत्व विभाग द्वारा खुदाई की जा रही है एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का प्रतिदिन शासन प्रशासन की मौजूदगी में अवहेलना की जा रही है। किसी अधिकारी द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन नहीं करवाया जा रहा है एवं मुस्लिम समुदाय ने मांग की है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का तुरंत पालन कराया जाए, अन्यथा मुस्लिम समुदाय आगे बढ़ा आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा। इसी बीच नमाज के बाद मीडिया से रूबरू हुए शहर काजी वकार सादिक ने कहा कि आज जुमा की नमाज अदा की गई, देश में प्रदेश में अमन शांति के लिए दुआएं मांगी गई। शहर काजी वकार सादिक ने बताया कि जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना की जा रही है, इसी संदर्भ में मुस्लिम समाज द्वारा काली पट्टी बांध कर विरोध किया गया। शहर काजी ने कहा कि हमने कई बार शासन प्रशासन को अवगत करा चुके हैं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना पुरातत्व विभाग कर रहा है, और आज भी हम मांग करते हैं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन कराया जाए। हो गया। आज जुमे की नमाज अपने वक्त पर और अपने हिसाब से अदा की गई। शहर में, मुल्क में शांति और सद्भाव के लिए दुआएं की गई और आज मुस्लिम समाज ने काली पट्टी बांधकर यहां पर विरोध जताया। वो विरोध इसलिए है, ये विरोध किसी धर्म किसी संप्रदाय के खिलाफ नहीं और ना किसी से द्वेष हिंसा और घृणा करता है मुस्लिम समाज। सिर्फ इतनी मांग थी कि हाई कोर्ट ने आदेश दिया सर्वे का और मुस्लिम कम्युनिटी के लोग इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट गए। माननीय सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय ने ये आदेश दिया कि यहाँ पर फिज़िकल एक्सहिबिशन नहीं होना चाहिए, लेकिन आम मीडिया के ज़रिए, हमारे रिस्पोंडेंट नंबर 8 के ज़रिए और हमने खुद ने भी देखा कि यहाँ पर दक्षिणी साइड में फिज़िकल एक्सहिबिशन किया। आसपास जो मस्जिद है उसके आसपास की नींवों को 15-15, 17-17 फीट खोद दिया गया, जिससे इमारत को भारी क्षति पहुँचने की संभावना है। इसको लेकर हमने काली पट्टी बांधकर समाज के लोगों ने इसका विरोध जताया है और ये विरोध सिर्फ हमारा सांकेतिक विरोध है। हम ये मांग करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है, सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइन दी है, जो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की टीम आई है, सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के हिसाब से सर्वे कार्य करे और सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन का साक्षर पालन करें। ठीक है, थैंक यू। धार मध्य प्रदेश से हफीज शाह की रिपोर्ट। देखते रहिए आपका अपना चैनल आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक।